पिछले वीडियो में हमने वर्क का थ्योरी देखे, वर्क का थ्योरी। इस वीडियो में हम लोग वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, ग्राफ से, बिना ग्राफ के, और वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तब उसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप ही के लिए बनाया गया है, ये आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब करें। जो प्रॉब्लम हो क्वेश्चन वो ग्रुप में पूछें। अब हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में मान लिया जाए ये एक बॉडी है, एक बॉडी पे फोर्स का जो वैल्यू है दिया हुआ है एफ का वैल्यू 10 न्यूटन, और इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में 5 मीटर। तो कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट टोटल वर्क डन। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग इसको बनाइए, हो गया होगा। चलिए हम देखते हैं। हम लोग जानते हैं सबसे पहले वर्क डन बराबर, वर्क डन बराबर हम लोग फॉर्मूला देखे थे एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे एफ क्या है फोर्स, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा, थीटा क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। तो हम लोग तीनों क्वांटिटी यहाँ पे पता करते हैं। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 5 न्यूटन, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू नहीं पता है। थीटा का वैल्यू कैसे पता होगा? तो हम लोग को पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच के एंगल। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। चाहे तो डायरेक्टली ये नहीं भी लिख सकते हैं, हम लोग लगाते हैं इसमें एफ का वैल्यू 10, एस का वैल्यू 5 और कॉस 0 डिग्री। यानी इससे हम लोग को मिल गया 50 × cos 0° का वैल्यू 1। यानी हम लोग को क्या मिल गया 50 न्यूटन मीटर, और इसी को बोलते हैं जूल। यानी ये क्या हो गया आंसर। ये तो सिंपल वीडियो था, सबसे सिंपल वीडियो, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे हम लोग फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में, एफ का वैल्यू 100 न्यूटन, और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में एस, एस का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे मान लिया जाए 20 मीटर। तब पूछ रहा है कि वर्क डन निकालिए यदि दोनों के बीच का एंगल कितना हो 45 डिग्री। आप लोग भी ट्राई कीजिए, हम इसको फिर बताते हैं। ये क्या है बॉडी, तो हम बताए थे एकदम बेसिक सा फॉर्मूला, डायरेक्टली वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। हम लोग को तीनों का तीनों क्वांटिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एफ का वैल्यू पता है, एस का वैल्यू पता है, दोनों के बीच का एंगल भी पता है। एफ का वैल्यू 100 न्यूटन, एस का वैल्यू 20 मीटर, और कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2000 हो गया ये, और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। यानी यहाँ से मिल जाएगा 1000√2 जूल्स आंसर। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट
वर्क डन। इफ ए बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम ए पॉइंट एज शोन इन फिगर। फिगर कैसा है? एक बॉडी है, यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है। ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट ओ के पास डालता है, तो पूछ रहा है कि वर्क डन बताइए ग्रेविटेशनल के द्वारा, यानी इस फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तब पूछ रहा है कि वर्क डन का वैल्यू बताइए। और क्या दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू है वो 10 मीटर है, और ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री। हम लोगों को समझना ये है, इस बार देखना ये है कि वर्क डन निकलेगा कैसे। हम लोग वर्क डन बराबर जानते हैं, इसका मास दिया हुआ है, बॉडी का मास 5 kg मान लिया जाए, तब वर्क डन निकालना है। हम लोग वर्क डन बराबर क्या जानते हैं, वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। एफ का वैल्यू नहीं पता है, एस का वैल्यू भी नहीं पता है, है पता लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में नहीं पता है। कॉस थीटा एंगल भी नहीं पता है। चलिए हम एक एक करके यहाँ पर निकालते हैं, फिगर रन देते हैं, बाकी मिटाते हैं। हमको ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके द्वारा जो काम हो रहा है उसके क्या करना है, हमको वर्क डन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर एफ इंटू एस। यदि हम लोग ये प्राप्त कर लें कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि वर्क डन बराबर क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन यहाँ पर यह था कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो। हम लोग बेसिक सा तरीका, फोर्स देख रहे हैं किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की ओर, तो हम लोग ये फाइंड कर लें कि जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है वो अगर नीचे का कितना हो, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली रख करके। चलिए, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो कंपोनेंट कैसे टूटेगा, एक ये डिस्प्लेसमेंट एक इस पे जाएगा और एक इस पे आएगा, तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं, उसके साथ 10 cos 45, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है, नहीं दिया हुआ है, उसके साथ 10 sin 45। एंगल का वैल्यू 45 डिग्री है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट बहुत बराबर है, यानी हम लोग को यहाँ से ये पता चल गया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 10 sin 45 डिग्री हो रहा है। यानी ये हमारा क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल गया, और ये फोर्स। अब रही बात फोर्स निकालने के लिए एफ का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर एम ए, लेकिन इस बार मास का वैल्यू दिया हुआ है और ए का वैल्यू। अब बताइए ग्रेविटेशनल के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसमें ए का वैल्यू कितना होता है, ए बराबर एम ए और हियर ए बराबर जी। चलिए हम 10 मान कर चलते हैं, यानी यहाँ से एफ का वैल्यू कितना हो गया, एम का वैल्यू 5 और जी का वैल्यू 10, यानी एफ का वैल्यू कितना हो गया 50 न्यूटन। एस का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, यानी यहाँ से हम लोग लगा देंगे एफ बराबर डब्ल्यू बराबर एफ, एफ का वैल्यू कितना मिल गया 50 न्यूटन, एस का वैल्यू कितना मिल गया 10
साइन 45 डिग्री, 10 साइन 45 डिग्री, 50 यानी 500 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, यानी यहाँ से 250√2 जूल क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ये अभी तक हम लोग जितने तीन न्यूमेरिकल पढ़े हैं, तीन न्यूमेरिकल ये कांस्टेंट फोर्स के लिए था, यानी फोर्स का एक डेफिनेट वैल्यू था तब हम लोग को वर्क डन निकालना था। लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होगा, हम लोग दो तरीके का वर्क डन निकालने के लिए पढ़े हैं, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए और दूसरा वेरिएबल फोर्स के लिए। कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखें और इसका ग्राफ से देखेंगे, उसके बाद वेरिएबल फोर्स के लिए। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है कि नॉर्मल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर, नीचे का। ऊपर का हम लोग देखेंगे जिस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी नॉर्मल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0। चाहे तो निकाल सकते हैं एस का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। इस कंपोनेंट को हम लोग तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर था और एक कंपोनेंट इधर था। समझिए बात को फिर से कि बॉडी यहाँ से जब डिस्प्लेस हो रहा है तो या तो वो नीचे आ रहा है या इस तरीके में डिस्प्लेस हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्या बॉडी ऊपर का डिस्प्लेस कर रहा है, नहीं, यानी जिस डायरेक्शन में ये लग रहा है नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तब हम लोग ये मान करके चलेंगे कि यानी नॉर्मल के द्वारा लगाया गया फोर्स के लिए जो वैल्यू होगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 एफ इन टू से, चाहे फोर्स का वैल्यू कितना भी हो, ये 0 एक 0 तो सारा का सारा वर्क डन 0। उसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल के लिए। विथ एक्सेलरेशन 2 m/s² एक बॉडी है जो मूव्स करता है फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 5 m/s विथ एक्सेलरेशन 2 m/s² 4, 5, 10 seconds, 10 seconds, then if mass of body 50 kg। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, आप लोग चाहे तो जिनसे बन रहा है वो वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, उसके बाद देखिएगा वीडियो, अगर नहीं बनता है तब इसको चेक कीजिएगा, अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए सबसे पहले फाइंड वर्क डन इफ ए बॉडी मूव्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 5 m/s विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 2 m/s² 10 seconds के लिए इफ मास ऑफ बॉडी 50 kg। हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ना तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू पता है और ना ही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता है, हम लोग इसको अलग अलग तोड़ते हैं। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। यहाँ से हम लोग मिल गया कि एम का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। एस बराबर, हम लोग पीछे पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल जाता है, एस बराबर हम लोग कितना फॉर्मूला पढ़े हैं, एस बराबर ut + ½ at² और पढ़े हैं v² = u² +
टू एस। अब आप लोग बताइए कि कौन सा फॉर्मूला लगा करके हम लोग एस निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, टी का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेकेंड, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी यू यू का वैल्यू 5, टी का वैल्यू 10 प्लस 1/2, ए का वैल्यू 2, टी का वैल्यू 10 × 10। यानी यहाँ से हो गया 50 प्लस 100, यानी 150 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल गया। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। एम का वैल्यू 50, ए का वैल्यू 2, एस का वैल्यू 150। डायरेक्टली न्यूटन मीटर, और इसी को लिख सकते हैं 1500 जूल्स, क्या हो जाएगा वर्क डन। ये हो गया आंसर। अभी तक सारे हम लोग देखें बिना ग्राफ वाले, अब हम लोग एक ग्राफ का देखते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, चलिए फाइंड वर्क डन इफ मास ऑफ बॉडी इज 10 kg एंड शोन इन फिगर। फिगर में दिया हुआ ये हो गया F, फोर्स किस में दिया हुआ है न्यूटन में, और ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है, और ग्राफ इसका बनाया हुआ है। तो ग्राफ बनाया, हम भी ग्राफ एक बनाते हैं। ये हमने क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया। बॉडी 0, 10, 5, 10 और 15 मीटर में। अब इसका क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं वीडियो, इसका थ्योरी में देखे थे, एफ बराबर एफ इंटू एस। यानी अगर ग्राफ दिया हुआ है तो एक इसका फोर्स है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, यानी एफ इंटू एस। हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, एफ और एस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब भी हम लोग किसी फिगर का मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ और विड्थ को, तो वो क्या देता है, एरिया। सिंपली बोले तो अगर इस ग्राफ का हम लोग एरिया निकाल दें तो वो हमारा क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। तो एरिया कैसे निकलेगा, यानी टोटल वर्क डन बराबर, टोटल वर्क डन बराबर एक रेक्टेंगल का एरिया और प्लस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और ट्रायंगल का एरिया, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 × लेंथ × विड्थ या हाइट। तो इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, नेमिंग करें ए बी सी और डी। इसका एरिया ए ओ इंटू ओ डी प्लस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 × हाइट, हाइट बी डी इंटू लेंथ डी सी। रख दीजिए ए ओ का वैल्यू 10 न्यूटन गुने ओ डी का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक ओ से डी तक कितना है 10, प्लस 1/2 × बी डी, बी डी का वैल्यू भी कितना है 10 न्यूटन, डी सी का वैल्यू कितना है 10 से 5 तक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी डी का डी सी का वैल्यू है 10 से लेकर के 5 तक, तो 10 से लेकर के 15 तक, तो 15 नहीं हो जाएगा, 10 से 15, इसका मतलब 15 - 10 यानी कितना 5, ये हो गया 5, और ये हो गया कितना 100 और प्लस 25 यानी 125 न्यूटन मीटर, और इसी को बोल सकते हैं 125। ये क्या हो गया आंसर।
ये था सारे जो न्यूमेरिकल हम लोग देखे हैं वो किसके लिए था, कांस्टेंट फोर्स के लिए था। कांस्टेंट फोर्स कहने का मतलब कि फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या था, कांस्टेंट था, चेंज नहीं कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा था। लेकिन अगला हम लोग जो देखेंगे वो वेरिएबल फोर्स के लिए, तो उसके लिए देखिए दूसरा न्यूमेरिकल, मान लिया जाए ये ग्राफ है, ये फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूटन में और ये डिस्प्लेसमेंट एस रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर में इधर। अब एक कर्व है जो फोर्स का वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहा है। इसको निकालने के लिए, अब इसको कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है एफ बराबर 3s² + 2s, ये दिया हुआ है 3s² + 2s, कुछ भी हो सकता है, उसका फिगर होगा यहाँ पे। और बोल रहा है कि फाइंड वर्क डन इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एफ बराबर 3s² + 2s फ्रॉम s = 1 to 5। वर्क डन निकालने के लिए बोल रहा है कि वर्क डन ज्ञात कीजिए यदि फोर्स अप्लाइड होता है एक बॉडी पे कहां से कहां तक, डिस्प्लेसमेंट 1 से लेकर के 5 तक, और फोर्स का वैल्यू क्या है, इसी के टर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग थ्योरी में देखे थे वर्क डन बराबर वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एस, s1 से लेकर के s2 तक, ये वाला फार्मूला से। अब ये कैसे बनाएंगे, f का वैल्यू दिया हुआ है ये पुट कर देंगे। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, हम इस फिगर को मिटाते हैं, इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा समझते हैं। मान लिया जाए कोई x है और dx के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है t1 से t2 तक। तब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि जितना पावर है, मान लीजिए n पावर है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है जितना पावर है उसमें क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन का सिंबल हटेगा तो n के पावर एक ऐड हो जाएगा और जितना ऐड होने के बाद आएगा वो नीचे n+1, और ये हो गया उसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। और फिर इसको क्या करते हैं, हम लोग लिमिट को हटाते हैं। लिमिट कैसे हटता है, तो एक बार ये वाला वैल्यू रखेंगे इसमें, किसमें, x में, जो वेरिएबल था, x वेरिएबल था जो वैल्यू रखना है, यहाँ हो सकता है कि 1 से लेकर के 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार हम लोग 5 रखेंगे और फिर एक बार 1 रखेंगे नेगेटिव सिंबल के साथ, वही देखते हैं हम लोग। चले आते हैं न्यूमेरिकल में, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3s² + 2s और ds का, ds कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है, 1 से लेकर के 5 तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो चाहे तो डायरेक्टली दोनों में मल्टीप्लाई करके करें या डायरेक्टली एक ही बार कर देते हैं, हम एक ही बार करते हैं। थ्री एस स्क्वायर प्लस टू एस डी एस का इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 5 तक के लिए, तो 3s² ये कांस्टेंट वैल्यू है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। n के जगह पे यहाँ पे n था तो n+1 हुआ था, n के जगह पे यहाँ कितना है 2, तो 3 का 3 कांस्टेंट टर्म है, s इसके पावर 2 पहले से है, n पहले से था तो 1 ऐड हुआ था, तो 2 पहले से है तो 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 का 3 और s के पावर 2+1 और जितना जोड़ने के बाद आएगा वो नीचे 3 प्लस 2, 2 का 2 इसके पावर यहाँ पे नहीं दिख, यानी कितना है कुछ नहीं तो 1 है, 2 इसके पावर 1, n के जगह पे कितना है, यहाँ पे n था तो n+1 हुआ था, यहाँ पे n के जगह पे कितना है 1, तो 1 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 1+1 और जोड़ने के बाद जो आएगा वो नीचे
लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक। अब इसमें लिमिट रखना है, सबसे पहले 5 रखेंगे दोनों टर्म में, फिर 1 रखेंगे। तो सबसे पहले 5 रखते हैं, ये 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया, यानी एस के पावर 3 प्लस एस के पावर 2 में हमको क्या करना है, लिमिट रखना है 1 से लेकर के 5 तक। सबसे पहले 5 रखेंगे, तो 5 के पावर 3, फिर इसमें भी 5 के पावर 2, और फिर कितना रखना है। ध्यान रहे कि जब हम लोग नीचे वाला लिमिट रखते हैं तो वो नेगेटिव सिंबल के साथ होता है, नेगेटिव सिंबल। तो एक बार कितना रखना है, एस के जगह पे 1, 1 के पावर 3 प्लस घटाओ एस के जगह फिर से कितना, 1 के पावर 2 रख दीजिए। 5 25 125 प्लस 5 25 माइनस 1 माइनस 1, यानी 25 150 माइनस 2 यानी 148 न्यूटन मीटर, और इसी को बोल सकते हैं जूल्स। ये हो गया क्या टोटल वर्क। इसी तरीके से आगे न्यूमेरिकल बनाइएगा, जो नहीं होगा नहीं बनेगा वो पूछिएगा ग्रुप में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एनर्जी, एनर्जी और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरी या वर्क एनर्जी थ्योरम। एक और टर्म है वर्क डन बाय टॉर्क, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं गया है उन लोगों तक शेयर करना आपका काम। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम लाइव में आ सकें। थैंक यू।